अस्सलाम वालेकुम, अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्रॉपर्टी के कारोबार पे पहले ही जवाल है और इसकी ख़रीदो फरोख को मज़ीद मुश्किल कर दिया गया है। इस सिलसिले में ये वीडियो है कि पहले आम तरीके से ख़रीदार जाता था, जो बेचने वाला होता था वो भी जाता था और जाके रजिस्ट्री या इंतकाल करवाना होता था वो करवा लेते थे। जो भी उस वक्त गवर्नमेंट का टैक्स था 4% 5%, जिसमें कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और गवर्नमेंट को भी बहुत ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी, लेकिन अब इस कारोबार पे जो है जवाल आया हुआ है और इस जवाल में मज़ीद जो है ना इजाफा हो रहा है। एक जो है एक फार्म अब मुतारिफ़ कराया गया है जो FPR की तरफ से होगा, और ये बात आप याद रखें कि ये फार्म उन लोगों के लिए है जो टैक्स पेयर हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर बहुत कम हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो टैक्स पेयर नहीं होते, वो रिटर्न्स नहीं समझते, लिहाजा ये वाला जो फॉर्म है ये FPR ने टैक्स पेयर के लिए वो किया हुआ है कि अगर टैक्स पेयर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है तो सबसे पहले वो FPR के ऑफिस में जाएगा, FPR के ऑफिस में अपने लास्ट जो उसका फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी तफसीलात देगा कि आया उसने जो पिछले साल रिटर्न्स जमा कराई थी, अपनी स्टेटमेंट जमा कराई थी, उसमें तमाम उस जायदाद की तफसील मौजूद है या नहीं है मौजूद, और वो एक्यूरेट है, वो जो है इसने रिटर्न्स जमा कराई हुई हैं, तो तब उनकी सारी तफसीलात जब दे देगा तो FPR उसे एक सर्टिफिकेट इशू करेगी और साथ ही गवर्नमेंट के चलान देगी जो वो जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगा, तब वो जायदाद फरोख कर सकेगा। अदरवाइज़ अगर उसकी रिटर्न्स फाइल नहीं हुई और उसने अपनी जायदाद वो जो सेल करने जा रहा है FPR के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तब वो मौजूद करवाएगा, उसको वहाँ फिर दर्ज करवाएगा, उस पर जो उसके टैक्सेस आते हैं गवर्नमेंट के वो जमा कराएगा, तब वो इस काबिल होगा कि वो अपनी वो जो जायदाद है जो उसके नाम है और वो सेल करने जा रहा है, तब उसको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगी, वो उससे पहले जाके वो तमाम टैक्सेस क्लियर करेगा। टैक्सेस क्लियर करने के बाद वो चालान जाके शो करेगा और उसके बदले में उसको वो फॉर्म मिलेगा जिसके बदले में वो अपनी जायदाद को फरोख कर सकेगा। यानी जायदाद की ख़रीदो फरोख्त पे जो पहले ही टैक्स बढ़ा दिए गए थे जिसकी वजह से ये कारोबार तकरीबन ठप पड़ा हुआ है, अब मज़ीद मुश्किल कर दी गई है उसमें कि ये FPR की सर्टिफिकेट्स भी आ गई हैं इसमें, जिसकी वजह से इस कारोबार में काम करने वाले जितने भी लोग थे वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, क्योंकि तरीक़ेकार जितने मुश्किल होते जाएंगे कारोबार उतना ही जो है ख़राब होता है, स्लो होता है, उसमें जो है ना वो तेज़ी कम हो जाती है। लिहाजा अब एक और फॉर्म का भी आपको जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से FPR से क्लियर करवाना पड़ेगा टैक्स पेयर के लिए। हाँ, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए ये नहीं है, वो उसी तरह जो उसका टैक्स है वो जमा कराएंगे, लेकिन टैक्स पहले जो कम था 5 से 6% था, अब वो पहुंच गया है कोई 18 से 20% के दरमियान, लिहाजा ये कारोबार जो है फ़िलहाल डाउनफॉल है इसका। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह नेगेबान।